खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। वहीं भारत ने कोरोना को देखते हुए 29 जून को करतारपुर कॉरिडोर खोलने की पाकिस्तानी पेशकश को ठुकरा दिया है। भारत की तरफ से कहा गया है कि बढ़ते मामलों के बीच आवाजाही को अनुमति नहीं दी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान महाराजा रंजीत सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर सिख श्रद्धालुओं के लिए गलियारा खोलकर अपनी छवि को दुनिया के सामने साफ दिखाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने दो टूक कहा है कि स्वास्थ्य अधिकारियों और बाकी भागीदारों से सलाह और हालात की समीक्षा के बाद ही आवाजाही की अनुमति होगी। सरकार की दलील है कि पाकिस्तान ने महज दो दिन पहले गलियारा खोलने की पेशकश की है, जबकि द्विपक्षीय करार के मुताबिक यात्रा की तारीख से 7 दिन पहले दोनों देशों को एक दूसरे को सूचित करना होगा ताकि पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो सके। इसके अलावा पाकिस्तान ने वादे के बावजूद रावी नदी पर बाढ़ को ध्यान में रखते हुए पुल भी नहीं बनाया है। ऐसे में मानसून में गलियारे से उस पार जा रहे भारतीयों की सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं। इन सब के बीच सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है कि मौजूदा हालात में देशवासियों को सीमा पार जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो करतारपुर कॉरिडोर नहीं खुलेगा भारत, और इस वक्त लगातार जो हालात बने हुए हैं कोरोना वायरस के मद्देनजर, उसको लेकर ये फैसला किया गया है। इन सब के बीच पाकिस्तान पूरे देश के सामने चमकना चाहता है, जिसके चलते उसने कॉरिडोर खोलने का दावा तो किया है, लेकिन फिलहाल भारत की तरफ से खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।